हार्ट की बीमारियां यानी कि मेडिकल भाषा में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये दुनिया भर में होने वाली डेथ्स का एक मुख्य कारण है, जिनमें से 3/4 जो है विकासशील देशों में होती है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, सही समय पर जांचें नहीं हो पाती। अगर इनमें से ज्यादातर बीमारियों को सही समय पर पता लगा लिया जाए तो इन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पिछले 25 वर्षों में हमारे देश में हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां मुख्य रूप से बढ़ गई हैं। इसके लिए कुछ व्यवहारगत रिस्क फैक्टर्स जैसे कि गलत खान पान, पेट का मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ओल्ड एज, स्मोकिंग करना, शराब का ज्यादा सेवन करना आदि, ये सब कुछ कारण हैं। इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में हार्ट से संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। होम्योपैथी दवाइयों की मदद से विभिन्न प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली क्योर किया जा सकता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी वर्मा, मैं एक होम्योपैथ हूँ और इस वीडियो में हम हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए यूज होने वाली 3 बेहतरीन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये हार्ट एवं ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियाँ जो हमारे शरीर में ब्लड को यहाँ से वहाँ ले जाने वाली आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उनसे संबंधित बीमारियों का एक समूह है। इनमें से कुछ मुख्य बीमारियां हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स की एक बीमारी है। दूसरी होती है सेरेब्रो वास्कुलर डिसीज, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स की बीमारी होती है। अगला एक प्रकार होता है रिमेटिक हार्ट डिसीज, इस बीमारी में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से रिमेटिक फीवर भी आता है और इसके साथ साथ हार्ट की मसल्स और वॉल्स भी डैमेज हो जाते हैं। एक और होती है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ये बीमारी जन्मजात होती है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसके हार्ट का सही तरीके से विकास ना हो पाने के कारण बच्चे के जन्म के समय से ही ये डिसीज पाई जाती है, जैसे कि सेप्टल डिफेक्ट होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम दिल में छेद होना भी बोलते हैं। इसके बाद एक और स्थिति होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो लेग्स में वेन्स के ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो बॉडी में सर्कुलेट होके हार्ट या लंग्स में जाके वहां की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अंदर होम्योपैथी में हार्ट डिसीजेस के लिए काफी सारी बेहतरीन मेडिसिन अवेलेबल है, जिनसे सफलतापूर्वक इनमें से काफी सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आज हम इन्हीं में से 3 प्रमुख हार्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो इनमें से पहली मेडिसिन है कॉनवोलेरिया, ये हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दवाई पेड़ से बनती है जिसका नाम है लिली ऑफ वैली। ये दवा रशिया में हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत पुराने समय से यूज होती रही है और फिर इसे होम्योपैथी में पोटेंटाइज करके यूज किया जाने लगा, जिसके कारण इसे हार्ट डिसीज में सेफली यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को सभी प्रकार के हार्ट डिसीज में यूज किया जा सकता है, स्पेशली लेकिन ये वहां पर अच्छा वर्क करती है जहां पर मरीज को टैकीकार्डिया होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। तो जब भी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो तो उन सभी केसेस में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये दवाई कमजोर दिल वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जो भी बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर उन्हें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होता है, कोई अगर कुछ भी पूछे तो बहुत इरिटेट होकर आंसर देते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स अगर हमें मिलते हैं तो इस दवा का यूज करके इनके हार्ट को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। इस मेडिसिन को 3x और 6x में अगर यूज किया जाता है तो इनके काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। हार्ट डिसीजन में जो दूसरी दवाई मुख्यतः यूज की जाती है वो है क्रेटिकस ऑक्सीएकिन्था। ये दवाई एक बेरी फल से बनती है जो कि बेर की एक वैरायटी होती है। इस बेर का नाम होता है हॉथॉर्न बेरी। इस फल का जूस हार्ट मसल्स और रक्त वाहिनियों को मतलब ब्लड वेसल्स को ठीक करता है। इस दवा की मदर टिंचर की कुछ बूंदे लेने से ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको हटाया जा सकता है। ये दवा डायलेटेड ब्लड वेसल्स को ठीक करके नॉर्मल करती है और अगर ब्लड वेसल्स श्रिंक हो गई हैं, मतलब कि सिकुड़ गई हैं, तो उन्हें भी ये नॉर्मल कंडीशन में ले आती है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन में अच्छा काम करती है। ये दवा इरेगुलर रेस्पिरेशन होने पर भी यूज की जाती है और अगर रूमेटिज्म के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स आने लगे हैं तो उन केसेस में भी इसे यूज किया जाता है। इसमें हार्ट के रीजन में जो है पेन होता है और एंजाइना के दर्द में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। अगर मरीज को पसीना बहुत ज्यादा होता है और थोड़ा सा काम करने पर उसकी सांस फूलने लगती है, उसको जनरल एनएस का हो सकता है, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, तब उन केसेस में भी ये अच्छा काम करती है। मरीज को गर्म कमरे में थोड़े से एक्सर्सन से और रात के समय में उन मरीज की परेशानी बढ़ जाती है।
इस मरीज को रेस्ट करने से, शांत रहने से और ताजी हवा में जो है आराम मिलता है। इस दवा का मदर टिंचर एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है, लेकिन इसे कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी बार लेना है, तो उसके लिए आपको अपने किसी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करना है। हार्ट की प्रॉब्लम्स में यूज होने वाली तीसरी बेहतरीन दवाई है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। ये दवा स्पेशली कमजोर हार्ट पर काम करती है। जब कभी ज्यादा पाल्पिटेशन हो रहा हो, ठंडा पसीना आ रहा हो और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो, मरीज को चेस्ट में भारी वजन रखने जैसी फीलिंग हो रही हो, जैसे कि उसकी चेस्ट को लोहे की तार से बांध दिया गया है या कोई लोहे के हाथ ने उसके हार्ट को पकड़ के रखा है, इस तरीके की फीलिंग हो, जिस वजह से हार्ट जो है नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रहा हो, पल्स बहुत वीक हो, असामान हो, इरेगुलर हो, कभी स्लो और कभी फास्ट हो, तब ऐसी कंडीशन होने पे इस दवा का यूज किया जाता है। ये हार्ट और पल्स दोनों को नॉर्मल कर देती है। इस दवाई में हार्ट डिजीज के साथ साथ पिटिंग इडिमा भी देखने को मिलता है। ये इडिमा स्पेशली पैरों में पाया जाता है। कभी कभी पैरों के पंजों के साथ साथ ये घुटने तक भी बढ़ सकता है। पिटिंग इडिमा एक तरीके की स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग में अगर आप फिंगर से दबा के देखते हैं तो जो है वो गड्ढा बनता है, कुछ देर के लिए बना रह जाता है, तो उस समय पे इस स्वेलिंग को पिटिंग इडिमा बोला जाता है। तो अगर ऐसा इडिमा है मरीज को, तब भी इस मेडिसिन को काफी इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। इस दवाई में मरीज को ईसोफेगस में भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको ऐसा लगता है जो उसकी खाने की नली है वो भी सिकुड़ गई है। इसमें फियर ऑफ डेथ होता है, उसे ऐसा लगता है कि मरीज की जो बीमारी है वो बिल्कुल लाइलाज है और अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो मरीज ऐसे में बहुत दुखी रहता है। इसमें मरीज के जो हार्ट में पेन होता है वो एपेक्स ऑफ हार्ट से शुरू होता है और बाएं हाथ की तरफ बढ़ता है। इसे भी हार्ट के काफी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि हाइपरट्रॉफी, रूमेटिज्म, कार्डाइटिस, इन सभी में यूज किया जा सकता है। इस दवा के मदर टिंचर को यूज करने से या फिर लो पोटेंसी में यूज करने से इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इस वीडियो में हमने तीन मुख्य दवाइयों के बारे में बात की। इसके अलावा भी होम्योपैथी में कुछ और दवाइयां हैं जो कि हार्ट के केसेस में काफी इफेक्टिवली यूज की जाती हैं, जैसे कि नाजा, डिजिटेलिस, ऑरम मेटेलिकम, कैल्निया, स्ट्रोफेंटस आदि। इन सभी दवाइयों को उनके सिम्टम्स के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, और आने वाले इसी तरह के और भी दूसरे वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ